हाय गाइस, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम है डंडरियाल फैमिली। भाइयों ने चाउमीन वालों को तो निपटा दिया, और ये देखो क्या मस्त चाउमीन बना रखी है। और अब बारी हमारे छोले भटूरों की। कानों को आ रहा है मजा, है ना? कान बजा रहे, मुंह क्यों लटका रखा है? चले तो अभी मैं और कानू निकल रहे हैं बीरो खाल के लिए, आज की सैर कानू के साथ और आज का नया ब्लॉग। बाय कैप्टन, बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से मैं सुनील आप सभी का इस नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है वो जर्नी का थोड़ा बहुत होने वाला है, क्योंकि मेरी एक वैक्सीनेशन रह रखी थी तो वो करानी है, कानों को भी दिखाना है डॉक्टर में। तो इसके पैर पर थोड़ी सी एलर्जी हो रखी है, उसकी दवाई लेनी है, पहले भी लाए थे, दवाई ख़त्म हो गई तो चेक कराने को बोला था, इसलिए इसको भी चेक करा के लाना है। और मौसम का हाल तो देखो, बादल लगे हैं, ठंड है, कहीं बारिश ना आ जाए हमारे। आते आते छाता लेके भी नहीं आए हैं। तो चलो, पहले हमें एक बढ़िया सी दूरी तय करनी है रोड तक पहुंचने की, जो कि आप लोगों को पता ही है मैं हर बार ही तय करता हूँ। और रोड पर जाके देखते हैं क्या मिलता है, अगर नीचे से टैक्सी मिल जाए तो और अच्छी बात, नहीं तो ऊपर से 9:30 वाली बस मिलेगी हमें, जो थैलीसैंण होते हुए पाबो पौड़ी जाती है। तो अभी हमें चाकी खोली नामक जगह पे, और वहाँ जो है हमें जाना है बस को पकड़ने। लग रहा है टैक्सी या तो निकल गई है सारी। तो ये है रोड जहाँ से टैक्सी मिलती है, टैक्सियों का आता पता नहीं। अब फिर से चढ़ के जो है सड़क होते हुए वहाँ तक, और तब मिलेगी वहाँ से बस। तो दोस्तों, भटवाड़ों से बीरो खाल जाने के लिए हमें कोई बस नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि आजकल बसें जो है शादियों में बुकिंग पे है, और यात्रा पे भी कुछ बसें गई है, तो इस वजह से बसों की शॉर्टेज आम जनता को हो रही है। अब एक ट्रक आया और ट्रक की मदद से हम लोग कोठिला मैठणा घाट होते हुए और बीरो खाल पहुँचेंगे, और साथ ही आपको सुंदर दृश्यों से रूबरू कराते रहेंगे। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक ज़रूर बने रहे, और पहली बार पहाड़ी जंक्शन चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल पे आपके लिए साधारण पहाड़ी जीवन से संबंधित ब्लॉग लगातार आते रहते हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट चैनल पे बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं सिरोली से होते हुए मैठणा घाट के लिए, और ये देखो यहाँ पे एक नया पुल बना है, तो इसका शुभारंभ जो है हो गया है, और काफ़ी चौड़ा ये पुल बना है। और इस सामने जो रोड ऊपर को जा रही है, ये जा रही है खिटोटिया के लिए, तो इनकी तरह हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड आए और रोड का काम जल्दी शुरू हो। खैर, इनकी रोड तो काफ़ी आगे तक चली गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
स्टेट है बीरो का। चलो जी, आजकल गाड़ियों की शॉर्टेज है तो इसीलिए ट्रक में और ये मेथड आ गया। बीरोखाल बाजार और मुझे और पानों को जाना है पहले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से दवाई लेके आते हैं फिर जो है यहाँ खरीदारी करनी है। अच्छा पार के जाना मन, चलो यहीं पे उतार दो, इसको भूख लगी है। जर दीचा बना दो पहले है तो कानू को लीजिए पहले भूख, इसको कुछ खिलाते हैं। है जी फैन कार्ड है बताओ समझी आया सीधा हम चलो घूमो गिरु खा आराम आराम। तो बीरो खाल से चाय नाश्ता करके और अब चल पड़े हैं हम लोग हॉस्पिटल के लिए। और दोस्तों ये वही हॉस्पिटल है जो कुछ दिन पहले यहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू एक बच्चे को जो है जन्म दिया गया था। और कानू मेरा भतीजा है, पीछे मार्केट में कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे तो वो कह रहे थे आपका बेटा है क्या, तो आपको बता दो फिलहाल तो मैं निरठ सिंगल हूँ। आज का जो सफ़र था बीरोखाल का थोड़ा ख़तरनाक था, ऐसा इसलिए क्योंकि रोडों की मरम्मत चल रही है और रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा खस्ती हो रखी थी। तो धक्के खाते खाते बस तो अब आई है, हमें एक ट्रक मिल गया था तो हम लोग ट्रक में आ गए थे। तो ये देखिए इस हॉस्पिटल में लगातार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है इसलिए लोग दूर दूर से जो है हॉस्पिटल में आ रहे हैं। वो देखो गाड़ी से कितने लोग उतरे हैं। ये देखो जी लंबी लाइन बीरोखाल हॉस्पिटल के लिए। ओ दीदी तुम दवाई लगाओ कि तुम एक जॉब कर दो। तुम सब लोग बैग वो पकड़ के लगना चाहो ना बंदर जॉब पर दोला। तो ये है अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरो का। आप उधर तो अभी हम आए थे बीरोखाल हॉस्पिटल और वैसे तो पहाड़ी जंक्शन के कई व्यूअर्स हमें यहाँ पे मिले और एक व्यूअर सबसे खास मिली जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की दवाई लेने में पर्ची वगैरह बनाने में। और ये यहीं पे ना ओके आप अपने बारे में बता दीजिए। हाय गाइस मेरा भी यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप फॉलो कर दो सब्सक्राइब कर दो और बाकी देखते हैं फिर क्या होता है अभी आगे। चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम है डंडरियाल फैमिली। ओके तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं चैनल प्रमोट करने के लिए, मैं चैनल प्रमोट तो नहीं करता, इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल में या बीरोखाल में, तो थोड़ा उससे रिलेटेड अगर जानकारी लोगों को मिले तो बहुत अच्छी बात है। और आपको टाइम मिलेगा तो ठीक है, बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, और आपने हमारी मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। तो लग गई मेरी वैक्सीन और कानों की भी दवाई वगैरह आ गई है, और अब हम लोग चलते अपने घर के लिए। और अभी जिनको आपने देखा वीडियो में, तो मैंने इनसे स्पेशली इसलिए भी रिक्वेस्ट की क्योंकि जानकारी के अभाव में लोगों को पूरा पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। और जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ हो गई है, लोगों की भीड़ देख के लग रहा है काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों को मिलने लगी है। तो ये देखो, कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था जब यहाँ पे एक रैली थी। और लीजिए जी, ये है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीरोखाल में। भाई तुम गंजली को जाओ पहाड़ी ग्वालियर ग्वालियर पहाड़ी लोग हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं लकी फास्ट फूड पे जो कि बीरोखाल में है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है लोगों की, आसपास के जो लोग आते हैं। और उसका रीज़न है ये भाई लोग बड़े प्यार से पेश आते हैं अपने कस्टमर के साथ। और ये देखो, अभी बन रही है चटपटी चाउमीन और इसके बाद छोले भटूरे। तो लो जी, चाउमीन वालों की तो मौज आ गई। और ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। पानी चाहिए। हाँ? पानी। तो भाइयों ने चाउमीन वालों को तो निपटा दिया, और ये देखो क्या मस्त चाउमीन बना रखी है। और अब बारी हमारे छोले भटूरों की। कानों को सिर्फ छोले भटूरे खाने, चाउमीन नहीं खाने। तो अब जल्दी जल्दी खा के और फिर निकलते हैं घर के लिए। खकान फटाफट खट कर। तो चलो जी, हो गया हमारा नाश्ता पानी, यानी छोले भटूरे खा लिए। और अब टीटी भाई की दुकान से थोड़ा साग सब्जी लेते हैं और फिर इंतज़ार करेंगे बस का कि कौन सी बस मिलती है। हेलो, ये देखो कैसे पहाड़ी बुलाए, पहाड़ी जंक्शन को लेके नहीं जा रहे हैं, है? पूरा भरा पड़ा है इनका। हाँ, बस आ गई, पकड़ छट फेल पकड़। जी, हमें लग नहीं रहा था आज बस आएगी क्योंकि कई बसें जो है यात्रा पे गई है, कुछ शादियों में बुक है। और अभी एक बस आ गई, अगर सवारी की बस होगी तो हमें लेके जाएगी, नहीं तो फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा किसी ट्रक का या चार वाली गाड़ी का। ये आ गई जी हमारी बस, और भीड़ देखो मार्केट में। तो दोस्तों, कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन और हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे कुछ और नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अगर पहली बार पहाड़ी जंक्शन चैनल पे आए थे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। तो ये चली गई है जी हमारी बस हमें बटवाड़ों में छोड़ के,
और अब ये हमें यहाँ से इतनी दूरी तय करनी है कि इतनी दूरी तय करके कोई गाड़ी से बीरोखाल पहुँच जाएगा। दुकानों के पास एक छोटी सी थैली, मेरे पास भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं,